सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज राहुल और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दो जैकेट्स का, जो कि मैंने मंगाई थी क्लब फैक्ट्री से। और आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो कैसा है और ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने के कितने दिन बाद मेरे पास पहुँचा है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, अगर आप टिकटॉक ऐप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो यूजर्स होते हैं या जो टिकटॉकर्स होते हैं वो ना डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। और गाइज, आप भी यही सोचते होंगे कि यार हमें ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों नहीं मिलते या हमें जो ये क्लोथ्स है हमें क्यों नहीं मिलते। बेसिकली अगर आप रहते दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में तो आपको वहाँ पे क्लोथ्स की वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है या आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी विलेज में रहते हैं, अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं वहाँ पे इतना ट्रेंड फॉलो नहीं किया जाता है, तो उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो है क्लब फैक्ट्री वेबसाइट। तो बेसिकली जो ये वेबसाइट है एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जो कि आपको डिफरेंट तरह के जो क्लोथ्स होते हैं ना वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको इसकी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे इजी वे से मिल जाएगी। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यार आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाने का टैप करने का और आपकी जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो कैसा आता है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा आता है, तो मैंने इसे वैसे अनबॉक्स कर दिया है। और गाइस ये इसकी पैकिंग है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जैकेट है वो कैसी है। तो हम इस जैकेट का यूज करते हैं, तो हमारी पहली जैकेट है ये वाली जैकेट है हमारी, जो कि है बोमर जैकेट। और गाइस ये एक बिल्कुल सिंपल एक बोमर जैकेट थी। तो इसके ऊपर जो ये पैचेस अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ी लाइटिंग की मेरी कमी है, तो इसके अंदर अगर आप पैचेस ये देख रहे हैं कि ये रेड वाला है, तो गाइस ये मैंने खुद लगाया था कस्टमाइज करने के लिए। तो गाइस अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि हम अपनी जैकेट्स या अपनी पैंट या टी शर्ट्स के ऊपर कैसे मतलब ये पैचेस लगा सकते हैं, तो गाइस मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देखकर अपना जो जैकेट्स वगैरह ना उसे कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे कुछ अलग बना सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सिंपल जैकेट थी और ये बिल्कुल एक स्लिम फिट जैकेट है। अगर आप देख रहे हो इसके बैक पे भी कोई प्रिंटिंग या डिजाइनिंग नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर का मटेरियल या अंदर क्या सीन है इसका। तो गाइस इसके अंदर आपको कुछ ऐसा मतलब एक मिलेगा सीन, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, आप जो भी मन करे। तो गाइस अगर आपने क्लोज लुक देख दिया होगा तो आपके जो डाउट्स वगैरह थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। वैसे इसका जो मटेरियल है वो ठीक है, जिसे हम पॉलिएस्टर मटेरियल बोलते हैं। तो इस पॉलिएस्टर मटेरियल का मतलब होता है ये बहुत ही मतलब एक पतला टाइप होता है। अगर आपने कोई विंडचीटर वगैरह देखे होंगे, जो रेनकोट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, अगर आपने वो देखे होंगे, तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारी जो सेकंड जैकेट है, माय फेवरेट। तो गाइस जब मैंने उस जैकेट को पहली बार देखा, यानी कि जब मैं वेबसाइट पे ऐसे स्वाइप अप कर रहा था, मैं देखते हैं कोई अच्छी जैकेट, जब मैंने उसे पहली बार जैकेट को देखा तो यार मान के चलिए कि मेरा दिल उसके ऊपर आ गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो दूसरी जैकेट है वो कैसी है। तो गाइस अब बात आ रही है हमारी दूसरी जैकेट के ऊपर, तो मैं वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो ये हमारी जैकेट है और इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने पहले ही कर दी थी। तो ये हमारी जैकेट है कुछ, और उसको जब हम ओपन कर देंगे जैकेट को, ये कुछ ऐसी बन जाएगी। तो गाइस ये कुछ जैकेट है, अगर आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर की जैकेट है, और मुझे ये जो जैकेट है वो पसंद इसलिए आई थी बिकॉज इसके ऊपर डिजाइनिंग थी ना, वो कमाल की डिजाइनिंग थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लीव्स की। तो गाइस स्लीव्स पे आपको जो ये लीफ है इसके मतलब जो डिजाइनिंग है ना, ये बहुत ही औसम लगी थी मुझे, और ये आपको भी औसम लगेगी बिकॉज ये कुछ ऐसी थी देखने में। उसके बाद दोनों स्लीव्स पे आपको यही मतलब डिजाइनिंग मिलेगी, और लेफ्ट साइड पे आपको एक स्ट्रैप भी मिल जाएगा जिस पे लिखा है रिमूव बिफोर फ्लाई। इसका जो बेस्ट डिजाइन है, जो बेस्ट हम बेस्ट है, जो मुझे पहली बार देखते ही पसंद आया था, वो था इसका बैक। अगर मैं इसका बैक दिखाऊं आपको तो ये है इसका बैक। और सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको मतलब क्लोज लुक जब दूंगा ना इस वीडियो इसका, मतलब जब मैं इसे पहन के दिखाऊंगा, आप उसके बाद देखना कि ये जो जैकेट है वो कैसी दिखती है। वैसे तो बहुत ही औसम जैकेट दिखती है, तो मैं आपको वही दिखा दूंगा। और कमाल से यार ये जैकेट मेरी फेवरेट जैकेट है, और इसके अंदर का मटेरियल मैं दिखा देता हूँ। सेम मटेरियल है जिसे हम पॉलिएस्टर मटेरियल बोलते हैं, और ये भी स्लिम फिट जैकेट है। ये वही मटेरियल है जो मैं अभी बात कर रहा था, जो विंडचीटर जिसे हम बोलते हैं, रेनकोट हम जिसे बोलते हैं, ये वही मटेरियल है।
अगर आप इसे पहन के निकल जाएंगे तो 10 लड़के आपको मुड़कर जरूर देखेंगी, यकीन नहीं आता तो यार ट्राई जरूर करना। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, जो हमें प्राइसिंग है वो कितनी पड़ी थी। तो सबसे पहले हमारी जो लाइट ग्रीन जैकेट थी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, वो मुझे पड़ी थी 1000 रुपीज की। और गाइज अब हम बात करने वाले ब्लैक जैकेट के बारे में, तो ब्लैक जैकेट थी जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो मुझे पड़ी थी 1500 रुपीज में। और अब हम बात कर लेते हैं जो इनका डिलीवरी टाइम था वो कितना लगा। तो बेसिकली जो इसका डिलीवरी टाइम है वो कम से कम 20 to 25 days लेता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर आने में 20 to 25 days लेगा। अगर आपका प्रोडक्ट इंडिया से ही आ रहा है तो मैक्सिमम आपका जो प्रोडक्ट है ना वो 5 to 10 days के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, अगर आपका प्रोडक्ट इंडिया में मिल जाता है तो आपको जल्दी आ जाएगा, अगर नहीं मिलता तो 20 to 25 days में आएगा। तो गाइज अब जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है कि इसके अंदर हमें कंपनसेशन कितना मिलता है। अगर कंपनसेशन आपको नहीं बता तो कंपनसेशन मतलब होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट लेट हो जाता है तो उसके बदले में आपको कितने रुपीज मिलेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट की जो डिलीवरी डेट है वो है 26 डेट और आपका प्रोडक्ट आता है 27 को, तो गाइज आपको 50 रुपीज आपके जो क्लब फैक्ट्री का अकाउंट है उसके अंदर आपका एक कूपन आएगा। वो कूपन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा वो कैसा होता है, वो कूपन आप यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट परचेज के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किन बातों का आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट मंगाने से पहले, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो आपको साइज को मेजर करना आना चाहिए खुद का। अगर आप जैकेट मंगा रहे हैं, टी शर्ट मंगा रहे हैं या जीन मंगा रहे हैं, अगर गाइज आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि आप अपना करेक्ट साइज कैसे मंगा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और वो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप किसी भी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप ओनली क्लब फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, क्योंकि सबका ही सेम सीन होता है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं है। गाइज अब जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है कि आपको अगर कोई आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं वो देखने चाहिए। अगर आपको वो सही लगता है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो यार आप वो प्रोडक्ट आंख बंद करके मंगा लेना। तो गाइज मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में सारा डिटेल में बता दिया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा और मटेरियल कैसा होगा, ड्यूरेशन कितना लेगा और कंपनसेशन कितना मिलेगा, डिलीवरी चार्जेस कितना लेगा, ये सारी बात मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइज मैं और भी रिव्यूज लेके आता रहूंगा क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड, बिकॉज मैंने बहुत सारा सामान है वो ऑर्डर किया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरी और वीडियोस के लिए। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगे अच्छी तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरह का सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा आप उसे प्रेस कर दीजिए, रेड कलर का है, और यार जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी YouTube फैमिली है उसके अंदर शामिल हो जाइए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं और अनबॉक्सिंग है वो मिलने वाले इस चैनल के ऊपर। तो चलते हैं गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।